ये है अल्पाका। कैमेलिडे परिवार से ताल्लुक रखने वाला अल्पाका का वैज्ञानिक नाम विकुगना पैकोस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्पाका 10 फीट तक की दूरी तक थूक सकते हैं। इनके शरीर पर पाई जाने वाली हाइपोएलर्जिक ऊन और उनसे बने कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और चिली के एडीज पर्वत पर पाए जाने वाले अल्पाका की एक ही प्रजाति पाई गई है। भूरा, हल्का पीला, काला, सफेद, अलग अलग रंगों में पाए जाने वाले अल्पाका 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनका जीवन काल 15 से 20 साल तक का होता है। 48 से 84 किलो वजनी, 81 से 99 सेंटीमीटर ऊंचे और 120 से 225 सेंटीमीटर लंबे अल्पाका का दक्षिण अमेरिका मूल निवास है। लामा से निकटता होने के कारण ये दो प्रजातियां आपस में प्रजनन कर सकती हैं। अल्पाका की ऊन से काटे गए सूत से गर्म मुलायम स्वेटर, मोजे, दस्ताने और टोपियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आज से 6000 साल पहले अल्पाका को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता रहा है। उनके गर्म ऊन से राजा महाराजाओं के लिए कपड़े बनाए जाते थे। अल्पाका के पेट में 3 कच्छ पाए जाते हैं। एकल अल्पाका प्रजाति की 2 नस्लें पाई जाती हैं, खूंखार सूरी और भुलक्कड़ हुआकाया। लामा अल्पाका के बीच प्रजनन के बाद हुए बच्चे हुआरिजो कहलाते हैं। विकुना पैकोस के नाम से जाने जाने वाले अल्पाका 2001 से पहले इन जानवरों को लामा पैकोस कहा जाता था। हुआ के ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में अल्पाका की सबसे प्रचलित नस्ल है। अल्पाका की खेती सन 1989 से हो रही है और ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। खेत में ताजी घास, कभी कभी पेड़ों की छाल और पेड़ों की पत्तियां खाने के शौकीन अल्पाका बहुत अधिक नहीं खाते हैं। ये एक दिन में 2 पाउंड घास खा सकते हैं। घास अपने प्राकृतिक रुषियों के कारण पचने में कठिन होती है। 3 कच्छों में बटा इनका पाचन तंत्र एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित करता है जो भोजन को पचाने में मददगार साबित होता है।